पांचपावले पुलिस थाना अंतर्गत ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वो माँ जिसे भगवान का दर्जा दिया जाता है, अगर वो अपने बेटियों का सौदा कर दे, अपनी बेटियों को बेच दे, तो ये सामान्य जन के सोच से परे है और दिल दहला देने वाली घटना है। एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करती, खुद से पहले अपने बच्चों का ख्याल करती है, बच्चों के लिए जीती है और बच्चों के लिए मरती है। दुनिया में माँ को भगवान का दर्जा दिया जाता है। कहते हैं कि माँ के कदमों तले जन्नत है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि कोई माँ इस दुनिया में अपने बच्चों को जहन्नुम भरी जिंदगी देने के लिए जतन करे? नहीं ना। लेकिन जो घटना अब हम आपको बताने जा रहे हैं, उससे निसंदेह आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये बात कुछ मार्च और अप्रैल के बीच की है, जिसका पर्दाफाश अब 19 मई को हुआ है। पंचशील नगर पांच पावले निवासी अमित उर्फ टोनी धनविजय, उम्र 48 वर्ष, और उसकी पत्नी तब्बू शेख, ये दोनों पति पत्नी जिस्म फरोशी का धंधा करते थे। इनके साथ ही इनके पड़ोसी निखत शेख भी इस काले व्यापार में लिप्त थी। ये दोनों महिलाएं खुद देह व्यवसाय करती थी और दलाल की भूमिका अमित उर्फ टोनी निभा रहा था। आरोपी निखत शेख को 16 वर्षीय और एक 13 वर्षीय ऐसी दो नाबालिग बेटियां हैं, जिनके पिता उनसे अलग रहते थे। निखत शेख खुद तो इस घिनौने काम में शामिल थी ही, लेकिन हद तो तब हो गई जब उसने इस गंदे कीचड़ में अपनी दो मासूम नाबालिग बेटियों को भी धकेलना चाहा। उसने अमित के जरिए यवतमाल और नागपुर में ग्राहकों के सामने दोनों नाबालिग बेटियों को पेश कर दिया, लेकिन दोनों बच्चियों ने इस काम को करने से इनकार कर दिया और जबरन जैसे तैसे बच निकले। इसके बाद निखत शेख और तब्बू शेख दोनों गोवा चली गई और वहां ये काम जारी रखा। इस बीच उन्होंने कुछ ग्राहक देखकर दोनों नाबालिग लड़कियों का सौदा कर दिया और आरोपी अमित के साथ उन्हें गोवा बुलवाने की तैयारी में थे। इस बीच इस घटना की जानकारी पांचपावली पुलिस को गुप्त सूत्रों द्वारा मिली। तत्काल पुलिस ने एक्शन लेते हुए दोनों नाबालिग लड़कियों को आरोपी दलाल पंचशील नगर निवासी अमित उर्फ टोनी विजय के घर में जाकर उसके चंगुल से छुड़वाया और आरोपी को शुक्रवार 19 मई को गिरफ्तार किया। साथ ही गोवा में बैठी इन दोनों आरोपी महिलाओं को भी धर दबोचने की तैयारी पुलिस कर चुकी है। बेशक मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना आपको भी झकझोर कर रख देगी। एक माँ अपनी सगी बेटियों के साथ भी इस तरीके का व्यवहार कर सकती है, उनकी जिंदगी इस तरह से खराब करने की कोशिश कर सकती है, ये किसी ने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन इस तरीके की घटनाओं की NBC न्यूज कड़ी निंदा करता है। 19 मई 2023 रोजी गुप्त माहिती मिळाली होती कि आम्ही धनविजय पंचशील नगर इथं राहतात आणि त्या घरामध्ये दोन अल्पवयीन मुलींना वेश्याव्यवसाय करण्याकरिता गोव्याला पाठवायचं आहे। तर त्यावरून आम्ही दोन पंचासह आणि स्टाफ आम्ही रात्री गेलो होतो। तर आम्हाला त्या आरोपीच्या घरी त्या दोन मुली मिळाल्या, म्हणजे आम्हाला माहिती कन्फर्म झाली, जी माहिती भेटली त्यावरून तिथे दोन मुली भेटल्या आम्हाला त्या। मग त्या मुलींना आम्ही घेऊन आलो पोलीस स्टेशनला, त्यांचा NGOच्या समक्ष एक बयान घेतला, आमचे महिला पोलीस होते सोबत। तर त्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की आम्हाला म्हणजे याच्यापूर्वी पण त्यांनी यवतमाळ या ठिकाणी घेऊन गेला होता, तसेच आपल्या नागपूरमध्ये पण एका ठिकाणी त्याला घेऊन गेला होता त्या मुलीला, पण त्या मुलीने त्यावेळेस त्याला नकार दिला होता की मी हे गलत काम करणार नाही। आणि आता पण ते कालच म्हणजे 19 तारखेला रात्री त्या जाणार होत्या गोव्याला, तर आपण त्यांना आणले समक्ष, त्यांचा बयान वगैरे घेतला। यामध्ये त्या मुलीची आई पण आरोपी आहे, म्हणजे हा सर्व प्रकार त्या मुलीच्या आईला पण माहिती आहे। मुलीची आई सध्या गोव्यामध्ये आहे आणि हा जो आरोपी अटक केलेला आहे अमित धनविजय, याची पण पत्नी गोव्यामध्ये आहे। तर यामध्ये आपण तीन आरोपी आहेत सध्या, आपण एक आरोपीला अटक केलेला आहे अमित धनविजय, आणि अजून यामध्ये दोन आरोपी फरार आहेत, आम्ही धनविजयची पत्नी आणि ह्या मुलींची आई। हां, म्हणजे आम्ही जेव्हा तिचा बयान घेतला त्या मुलींचा NGO यांच्या समक्ष, त्यावेळेस त्या मुलीने सांगितलं होतं की मला ज्यावेळेस यवतमाळ आणि नागपूरमध्ये एका ठिकाणी असा प्रकार करण्यासाठी ते घेऊन गेले होते, त्यावेळेस तिने माहिती त्याच्या आईला दिली होती, पण त्यांची आईने काही त्याच्यावर काही ॲक्शन घेतली नाही। म्हणजे हा प्रकार त्याच्या आईला सर्व माहिती आहे। आता त्या मुलीला विचारलं तर ते म्हटलं की ही जे यामध्ये ज्या आरोपीची पत्नी आहे तब्बू शेख, ती पण असा हा ती वेश्याव्यवसाय करते आम्हाला त्या मुलीकडून समजलं, आणि
त्या मुलीची आई आणि ह्या तब्बूशेख या दोन्ही मैत्रिणी आहेत. आता दोन्ही सध्या त्या गोव्यामध्ये आहेत सध्या, अशी माहिती मिळाली आम्हाला. NBC न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ माहिन पठान की रिपोर्ट.